हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हमारे लास्ट टॉपिक जो हमने कंटिन्यू करना है, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, और उसके अंदर हम बात कर रहे थे रूल्स एंड कि कौन कौन से रूल्स हैं टू राइट द साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम्स के आपने कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे आपको याद होगा जैसे फर्स्ट एक रूल हो गया कि भाई दो वर्ड्स होंगे। ठीक है, एक वर्ड से इसके अंदर क्या होगा, जीनस नेम होगा, इसको हम क्या जेनरिक नेम भी बोलते हैं, और दूसरा नेम क्या होगा स्पेसिफिक और द स्पीशीज नेम। ठीक है, फिर आपको याद होगा जीनस का फर्स्ट लेटर, दैट मीन्स इसका फर्स्ट लेटर क्या है जी, तो इसका जी क्या होगा, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। और स्पीशीज का और स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, जैसे एस है तो क्या हो गया स्मॉल। ठीक है, ये आपको याद रखना था। तीसरा रूल्स ये था कि अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या होगा, ये लेटर्स होंगे इटैलिक्स में होंगे, और अगर आप हैंडराइटिंग कर रहे हैं तो कैसे होंगे, अंडरलाइन होंगे। ये क्वेश्चन जी जी हमने कल लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। आज स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है कि आपको अगर इस टाइप से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि इनमें से कौन सा जो नेम है वो अकॉर्डिंग टू द रूल है। ठीक है, साइंटिफिक रूल्स है, और ये आपको बताना है ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम। तो ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम के लिए मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे, तो आपको जैसे क्या करना है चूज करना है कि कौन सा इसमें क्या है करेक्ट है। तो पहला है हमारे पास होमो सेपियंस। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन एक। सेकेंड ऑप्शन है ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर फोर। फिफ्थ ये हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ ये हो गया सिक्स्थ। नेक्स्ट ये हो गया सेवन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कितने ऑप्शन बनाए चाहे वैसे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है। और ये आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि भाई आपको सारे रूल्स जो है आपने पढ़े थे लास्ट के जो वीडियो पढ़ाए गए थे, उसके अलावा आपको बुक्स में भी पढ़े होंगे आपने, तो अगर वो सारे रूल्स को अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो हम इसको आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा है, आपने मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। अगर बात करें फर्स्ट वन की, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है जीनस नेम, दूसरा हमारे पास क्या है स्पीशीज नेम। रूल्स क्या है कि पहला जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए कैपिटल, और दूसरा जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए स्मॉल। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि कैपिटल है, यहीं पर क्या हो गया ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए दिख रहा है कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए, तो यहां पर क्या दिया हुआ है स्मॉल दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया यहीं पर गलत हो गया। समझा गया, इस तरीके से देखो थर्ड H-O-M-O होमो दिया हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, सेपियंस S स्मॉल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन नहीं की हुई, दैट मीन्स अंडरलाइन कहीं नहीं की हुई, तो इट मीन्स क्या हुआ ये भी गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ क्या है होमो सेपियंस, यहाँ पे अंडरलाइन किसी को नहीं कर रखी, तो इट मीन्स वैसे गलत हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट होमो फर्स्ट लेटर क्या है जीनस का कैपिटल है। ठीक है, ओके सही है ये चीज। दूसरा क्या है एस स्मॉल है स्पीशीज का, और दोनों वर्ड क्या है अंडरलाइन है, तो इट मीन्स क्या हो सकता है ये सही है। उसके बाद और देखें तो और भी सही है, यहाँ पर भी अंडरलाइन नहीं है, तो इट मीन्स क्या है ये अगर रोंग हो गया, यहाँ पर भी अंडरलाइन नहीं है, दैट मीन्स भी क्या हो गया रोंग हो गया, दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर फिफ्थ था वो क्या है इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको क्या है ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको साइंटिफिक नेम दिए जाएंगे कुछ, तो उन साइंटिफिक नेम में से जरूरी ह्यूमन बींग्स का ही आए, आपको किसी का भी आ सकता है। जैसे मैं आपको कुछ दो चार एग्जाम्पल दे देता हूँ साइंटिफिक नेम्स के, तो आप याद भी कर ले
और उसके साथ साथ आपको ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन आता है इसमें से ऐसा तो आप उसमें से अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। जैसे फर्स्ट तो हमने ह्यूमन बींग्स ले लिया, क्या हो गया इसका होमो सेपियंस, ओके। सेकंड, सेकंड अगर बात करो उसमें हमने पहले कुछ पढ़े थे, लाइक आपने किसका पढ़ा था, रोजा इंडिका हो गया, ठीक है, रोज का हो गया। किस तरीके से आपने पढ़ा था, एक मैंगो का पढ़ा था, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंगो लिख लेते हैं यहाँ पे, जितने हो उतने कम है स्टूडेंट्स। एम क्या हो गया यहाँ पे कैपिटल, मैंजीफेरा इंडिका। स्टूडेंट्स ये भी चीज आपको क्या है साफ दिखनी चाहिए कि आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या है, साफ मेंशन होनी चाहिए इसके अंदर। इसी तरीके से थर्ड हो गया, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, वीट की बात कर लेता हूं मैं। वीट का हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ये हो गया वीट का हो गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं बेनियन ट्री हो गया, इसका है फाइकस मैगेलेंसिस। स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी याद रखो, जैसे जो बेनियन ट्री है ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे, बंगाल में मिलेंगे। तो एक रूल ये होता है इसके अंदर कि जो भी वर्ड अगर किसी भी लैंग्वेज से लिया गया है उस वर्ड को, तो उस वर्ड को क्या होता है लैटिनाइज करना जरूरी होता है। तो लैटिन के एक भाषा है, डेड लैंग्वेज है, जहां से क्या होता है उसको उसके अंदर क्या होता है कन्वर्ट करना होता है। जो बेनियन ट्री हमारे पास क्या कर दिया, फाइकस मैगेलेंसिस कर दिया, ठीक है। तो मतलब जो भी कहीं से भी आपका जो वर्ड ले रहे हो साइंटिफिक नेम, उसको हमें जाना क्या होता है लैटिनाइज करना होता है, ठीक है। लैटिनाइज क्यों करते हैं, जनरली क्या है वो डेड लैंग्वेज है, इसके अंदर उसके अंदर कोई एडिंग या एडिटिंग या उसके अंदर विड्रॉ नहीं होता कुछ चीज का, इसके से क्या होता है उस एप को उसके अंदर कन्वर्जन किया जाता है। ये भी एक रूल है, तो आपको याद रखना है बनियन ट्री का नाम क्या है, फाइकस मैगेलेंसिस। इसके अलावा और बात करूं स्टूडेंट्स, तो और बात कर लेते हैं हम कॉकरोच ले लेते हैं। कॉकरोच का क्या है, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। फ्रॉग का ले लेते हैं राना टाइग्रीना, ठीक है। और ले लेते हैं, और किसका लेंगे हम सर, स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ये जो भी आपको ऐसे याद आते रहेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं ले लूं उसमें लायन हो गया, तो लायन का क्या था पैंथरा लियो, ठीक है। टाइगर हो गया इसी तरीके से, टाइगर का क्या है सेम जीनस है, तो पैंथरा टाइग्रिस, क्या है पैंथरा टाइग्रिस। और करना चाहे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे डॉग हो गया कैनिस टेम्पलरिस हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इक्वस कैलिबस हो गया, हॉर्स का हो गया, ओके। तो ऐसे बहुत सारे जितने याद करना चाहे कर सकते हैं, जितने भी अपनी बुक के अंदर मेंशन किए हुए हैं जितने ज्यादा हो सकते हैं आप उसको याद करें, तो उनमें से कोई भी एमसीक्यू हो सकता है बनकर आ सकता है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन, तो एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं उसको नोट डाउन करना चाहे कर सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, या इसको पोज करके आप इसको यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। तो अब याद होगा स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे, टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने क्या क्या कर लिया, अभी आइडेंटिफिकेशन देख ली किस तरीके से की जाती है, और हमने क्या देख लिया इसके अंदर नोमेनक्लेचर देख लिया। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली अगर मैं बात करूं क्लासिफाइड करना ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफाइड कैसे किया जाती है, क्यों करते हैं, पहले बात कर लेते हैं होती क्या है। इट इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन ए हायरार्कियल सीरीज ऑफ ग्रुप
हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप लाइक मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड अदर्स। ठीक है, तो क्या है क्लासिफिकेशन मीन्स, क्या है सिंपली मीन, क्या है क्लासिफिकेशन करना, इट इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग, साइंटिफिक मैनर के अकॉर्डिंग क्या करना, ऑर्डरिंग करना किसकी, ऑर्गेनिज्म कि आपने ऑर्गेनिज्म पता लगा लिया भाई, आपने क्या कर लिया आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आपने नॉमेनक्लेचर कर लिया, बट अभी मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका कि इस ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप के अंदर अरेंज करना, कि किस तरीके से आप उसे एक सिस्टम के अंदर उसको अरेंज करेंगे, किस बेसिस पर करेंगे, किस तरीके से किया जाता है ये सब कुछ, तो वो क्या होती है क्लासिफिकेशन होती है। और क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है क्लासिफिकेशन क्यों की जा रही है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा, एक तो वे क्या होगा इनकी स्टडी करना इजी हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर सिंपल सी बात है, जैसे मैं लास्ट वीडियो से कहते आ रहा हूँ कि इसके अंदर आपके पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और उन ऑर्गेनिजम्स को वन बाय वन करके याद करना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, एक तरीके से इम्पॉसिबल है कि आप उसको सबको याद नहीं कर सकते, इवन यहाँ तक कि आप उनको देख भी नहीं पाएंगे लाइफ टाइम के दौरान, तो सिंपली बात है उनको याद रखना बहुत बड़ा काम है, तो वो पॉसिबल नहीं है इसके पॉसिबल नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए क्या है कि आप क्या कर दें सारे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानकर, उनके बोट बॉडी साइज फॉर्म साइज रिलेशनशिप एवोल्यूशन रिलेशनशिप, ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स की स्टडी करने के बाद आप इस तरीके से क्या करते हैं ग्रुप्स बना दें ताकि पूरे ऑर्गेनिज्म सारे ऑर्गेनिजम्स को इन पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अरेंज कर दिया। अब ग्रुप के अंदर अरेंज कर दोगे तो किसके बेसिस पर करोगे, जनरली ग्रुप के बेसिस किस पर करोगे, उनके अंदर सिमिलैरिटी या उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर, सिमिलैरिटी फीचर मिल रहे हैं तो आपने उस वक्त उठा के उनके अंदर रख दिया, डिफरेंस फीचर मिल रहा है तो उसके लिए आपने अलग ग्रुप असाइन कर दिया, तो इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से होगा ये कि जनरली एक तो इनके बीच में जो आपको स्टडी करना है फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनिजम्स की उसको ईजी हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन करना ईजी हो जाएगा, ठीक है, उसकी नेमिंग करनी ईजी हो जाएगी, ठीक है, फोर थिंग्स रिलेशनशिप पता लगेगा उनके आपस के बारे में, उनके बीच में कौन कौन से सिमिलैरिटीज है उसके बारे में पता लगेगा, डिफरेंसेस कौन कौन से है उसके बारे में पता लगेगा, साइंटिफिक मैनर के अंदर उसके अच्छे तरीके से समझा कर पाएंगे, उसको स्टडी कर पाएंगे, तो इस तरीके से क्या ये बहुत सारे बेनिफिट्स जो हमें मिलने वाले, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देखो स्टूडेंट बहुत सारी चीज आप पढ़ते हो इसके अंदर, देखा होगा आपने काफी तरह अलग तरीके से क्या होती है अलग अलग चीजों के अंदर क्लासिफिकेशन की होती है, आप नॉर्मल डेली रूटीन पर भी करते हैं क्लासिफिकेशन करते ही रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में, स्कूल के अंदर क्या होता है स्कूल के अंदर एक तरीके से क्लासिफिकेशन का मिलता है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एज ग्रुप हो गया पर्टिकुलर, इस एज से इस एज के स्टूडेंट्स क्या होते हैं इस लेवल के अंदर नाइन्थ क्लास के अंदर रहते हैं, अब नाइन्थ के अंदर क्या है सेक्शन वाइज है, सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है क्राइटेरिया है नाइन्थ क्लास में जाने का, क्या क्राइटेरिया है कि आप एट स्टैंडर्ड को पास करके क्या करेंगे नाइन्थ के अंदर जाएंगे, लेकिन अगर उसमें आपने क्रैक नहीं किया हुआ एग्जाम तो आप उसी के अंदर रहेंगे, तो नाइन्थ के अंदर आने के बावजूद आपके पास क्लासिफिकेशन मिल जाती है आपको सेक्शन डिवाइड कर दिए जाते हैं, अब सेक्शन डिवाइड किया तो हम कभी इससे होते हैं टेस्ट हो सकता है या कुछ और हो सकते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया रहता है डिफरेंट स्कूल्स का, स्कूल बेसिस पे क्या होता है उनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, इसी तरीके से आप जब टेंथ में जाओगे पेपर होंगे उनके अंदर भी अलग ग्रुप्स मिलते हैं आपको, ठीक है, सेट मिल जाते हैं आपको, तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर क्या होता है अलग अलग तरीके से क्या होता है क्राइटेरिया डिसाइड किए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस बेसिस पर वो डिसाइड किया गया, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे एनिमल्स की हमारे ऑर्गेनिजम्स की हमारे प्लांट्स की इनकी बात करें तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट हैं जो हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग के अंदर, तो हम सबको इस क्या है इम्पॉसिबल है सबको ये करके अपनी डिटेल स्टडी कर पाना अगर हमारे पास क्या कोई साइंटिफिक मैनर नहीं है कोई सिस्टम नहीं है कोई हमारे पास क्या है कोई मेथड नहीं है कोई, तो इसके लिए क्या है क्या साइंटिफिक स्टडी के लिए सिर्फ बेसिक क्या बना दिया गया बेसिक ग्रुप्स बना दिए गए डिफरेंट सारे ऑर्गेनिजम्स को लेके कुछ ग्रुप्स बना दिए गए जिन ग्रुप्स के अंदर इन ऑर्गेनिजम को क्या दिया कोट कर दिया गया ताकि इनकी स्टडी करना क्या हो जाए इजी हो जाए। अब इसके बाद स्टूडेंट जो है हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से स्टार्टिंग से कौन कौन आया किस किस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन की गई कौन कौन से सिस्टम्स बनाए गए उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स अभी के लिए हमारे पास इतना ही, थैंक यू सो मच।